हाई वारी वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आई होप हाई वारी वेलकम बैक टू शिप्रा मिश्रा दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइज फाइन काफी समय हो जाता है मुझे ये बोलने के चक्कर में और आज तो मैंने सोचा कि चलो अभी आपसे बात करती हूँ कुछ ऐसे ही अभी क्या चल रहा है अभी लाइफ के अंदर और क्या ऐसा तो कुछ अपडेट वपडेट आपको दे देती हूँ बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई थॉट कि नहीं अभी आपको सारी चीज़ों के साथ सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए तो क्या होने वाला है क्या हो रहा है क्या लेसन्स मैंने अभी रिसेंटली अपने लाइफ से सीखे हैं वो सब आपके साथ में शेयर करने के लिए आज आ गई हूँ ये संडे के शिप्रा टॉक में ज्ञान की बातें भी है बट ये एक क्विक स्टोरी टाइम है तो इसके लिए आई डोंट नो मैं अच्छी स्टोरी टेलर हूँ या नहीं बट आई ट्राई सो आई टेल यू अभी इट्स लाइक like, अभी आफ्टर uh, यहाँ पर बच्चों के एग्जाम हो गए थे मई के अंदर तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी uh, मैं एग्जाम जब आपके चल रहे थे उस टाइम पर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बट आई हैड टू पुश माई सेल्फ क्योंकि आपके एग्जाम्स थे और मुझे पता था बहुत सारे लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया हुआ है और इसीलिए मैंने और किसी चीज़ को बीच में नहीं आने दिया था एंड आई ओवर स्ट्रेन माई सेल्फ रिजल्ट ये निकला कि मैं जून के अंदर uh, मेरे जॉब से भी छुट्टी पर थी सो आई वॉज़ नॉट वर्किंग बट आई वॉज मेकिंग सम वीडियोज़ फॉर यू एंड आई कुड नॉट टेल यू कि मैं नई वो वीडियोज़ बना सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट फाइन आई प्रोमिस्ड कि मैं आपकी आपको सी यू टी का प्रेपरेशन कराऊंगी सो आई वॉज स्टिल मेकिंग द वीडियोज़ फॉर यू बट एक पॉइंट के बाद में मुझसे वो नहीं हो पा रहा था आई कुड नॉट यू नो यू नो स्ट्रेन माई सेल्फ थोड़ा सा भी एग्जर्शन मैं अभी हैंडल नहीं कर पा रही थी

कितनी बार चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो गई बच्चे पहुंच गए थे सेंटर पे एग्जाम नहीं हो रहा था यू you नो know, रिज़ल्ट एकदम से चेंज कर दिया ग्रामोस एकदम से सारी चीज़ें हटा दी तो बहुत कुछ हो गया था एंड uh, मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आ गया था आई लिटरली रोट अ लेटर टू एन टी एग्जैक्टली जैसे कि क्लास ट्वेल्थ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है एनी मे उसमें सदाओ ने एक लेटर लिखा था गॉड नोज वो यूजलेस ही था आई मीन माई विल दे लिसन टू मी बट देन आई वॉज लाइक यार वॉट इज दिस आई मीन वाई इज दिस हैपनिंग विद माई किड्स आई मीन ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बैच है अब इनके साथ मैं आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए अब और क्या रह रहा है तो मैं ऐसे हो गई थी बट देन uh, मैं अपने मेडिकल रीजन्स की वजह से नहीं पूरी तरीके से एकदम सब कुछ कर पा रही थी और मैं जो भी कर रही थी वो कहीं ना कहीं ऐसे उल्टे ही जा ही जा रहा था एन का अपना अलग ही कुछ चले जा रहा था तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आई गिव यू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी थिंग एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर एवरी वन ओवर टेलीग्राम एंड आई वॉज अवेलेबल सो दैट वॉज हैपनिंग देन उसके बाद में आई रिज्यूम रेज्यूम सेशन जो अपना सेशन था वो रिज्यूम किया क्लासेस नाइन टू ट्वेल्थ के लिए आई वॉज रियली हैप्पी क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट आया था एंड यू गाइज मेड मी वेरी प्राउड सो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देन उसके बाद में ये जो पूरा रिजल्ट आया आ, मैंने सोचा चलो अभी रिज्यूम करते हैं सेशन तो so मैंने सेशन रिज्यूम किए बट ऐसे तो लाइफ के अंदर कुछ हो नहीं सकता ना मतलब आप एकदम से सेशन रिज्यूम कर लो हाँ आपकी जिंदगी इतनी अच्छी से निकल जाए कैसे हो सकता है यानी कंसिस्टेंसी कैसे ब्रेक होगी सो आई वॉज देन कोविड पॉजिटिव गॉड uh, नोज कैसे क्या बट मेरा थ्रोट बहुत ही ऐसा हो गया था जवाब ही दे चुका था तो आई वु स्टिल वर्किंग बहुत थोड़ा सा जॉब uh, पे बट बिकॉज आई हैड टू अदरवाइज मैं वीडियोज़ नहीं बनाना चाहती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं वो और मेरा आवाज़ एकदम मिक्सर ग्राइंडर जैसा हो गया था तो आई वज एक नहीं जैसे ही मैं रिकवर करती हूँ वन डे आई आई यूरो जैसे ही मैं रिकवर कर रही हूँ वी रिसीव अ कॉल के मेरी जो बड़ी दादी जी हैं शीपाजवे She was uh, literally the root of our family. I mean, she was holding the entire family together, and only—I mean—the idea that she is not going to be there anymore. I mean, I never got a chance to be with her all the time. Uh, I live separately. We live separ separately. But then, you know, the idea of uh, you know a life without her, because my dad was deeply connected to her, and. Uh, he used to tell us some stories and things that she has done for the entire family so i was i don't know if i'll ever be able to i would ever be able to explain this to her now i can't but okay if you're here i uh, really respected her i loved her a lot and we lost her so i was with my family that time my family needed me the most my dad needed me the most and uh, um, so I was part of the rights and everything and that's why I couldn't be here. I couldn't be here. I had to I had to sacrifice one fam to be with the, the other, you know. So abhi, uske baad mein, in September ka first week mein, I uh, collected myself. Now I had to go back to work because this is life, you know. You have to recollect yourself and start printing. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो दैट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड और यू डोंट वॉन्ट टू वर्क आप बस रुक जाओ बहुत कम लोगों को ऐसे ऑप्शन मिलते हैं खास करके मेरे पास तो नहीं है सो आई थॉट के चालू अभी आई हैव टू गो बैक टू वर्क सो आई काइंड ऑफ थॉट ऑफ रिज्यूमिंग वर्क देन वॉट हैपेंड आई गॉट टू कॉल फ्रॉम माई कंपनी एंड दोल्ड मी दैट दे आर कॉलिंग सेवरल टॉप एडिकेटर्स एंड सम यूट्यूबर्स इन अ लॉन्च इवेंट सो मुझे उसका हिस्सा बनना है इट वॉज़ इन डीड द बिगेस्ट अपॉरचुनिटी फॉर मी एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट जो भी मेरी जिंदगी में अभी हो रहा है अच्छा वो सब आपकी वजह से हो रहा है एंड uh, इसकी वजह से अभी मुझे वहाँ जाना था तो आई थॉट कि जैसे ही मैं वो कर, ख़त्म करती हूँ आई जस्ट कम बैक एंड आई बी विथ यू गाइज I also thought that I'll record a vlog for you, and so that you guys also come along. Uh, now, what happened was that this was going to be a day trip, because doosra din I had a very important case. I was not the lead advocate of the case. I am not handling cases on my own. I feel that I'm incapable, because see, I am not working, um, you know, them 24/7 or dedicatedly 100% towards you know my law. करियर तो इसके लिए आई डोंट टेक केसेस एकदम से आई यूजअली वर्क विद अदर एडवोकेट्स एंड आई ट्राई टू लर्न एज मच एज आई कैन सो आई वॉज नॉट गोइंग टू बी द सोल एडवोकेट ऑफ दिस केस सो आई हैड टू कम बैक राइट सो आई आई रश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल Uh, मैंने एकदम ऐसे अभी अभी यू नो आई रिकलेक्टेड माई सेल्फ एंड अभी बस मैंने शुरू ही किया था और इतने में आई गॉट अ कॉल एंड यू नो आई हैड टू डू अ लॉर्ड ऑफ स्टाफ एंड आईड टू प्रिपेयर फॉर द इवेंट दैन आई फाइनली वैन आई फाइनली रीच द एयरपोर्ट आई मिस द फ्लाइट आई मिस द फ्लाइट बिकॉज ऑफ सम रीजन आई मीन माई डैड ऑलवेज टेल्स मी टू डू थिंग्स एंड यू नो जस्ट कीप अ मार्जिन बी पंचुअल ऑल दोज थिंग्स यू नो But I take his things for granted, his sayings for granted, and I miss the flight. Uh, this was uh, for, for the first time that uh, he did not ask me to book a cab or he was not available to drop me. If he to But he had to be uh, somewhere else. So I was doing everything and I missed the flight. Now I thought that um, now I had to be there in the इवेंट एंड मैं तो यहाँ पर हुआ मैं कैसे जाऊँ और उसी दिन इवेंट होना है छः बजे तो अभी मैं क्या करूँ तो मैंने जैसे तैसे दूसरा फ्लाइट देखा जो मुझे ऑलमोस्ट उसी टाइम के अराउंड पोछा रहा था आई थॉट कोई बात नहीं सीधा इवेंट में चले जाएंगे एंड देन आई टुक दैट फ्लाइट सो ये सबसे बड़ा बड़ा सेटबैक मेरे लिए था मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इसके अंदर कुछ ऐसा लगेगा या नहीं बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ही आंशस हो गई थी इस चीज़ को लेकर ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है मतलब मैंने क्यों ऐसा किया और ये एनजाइटी बहुत ज़्यादा तब पड़ गई जब मैं बहुत लेट इवेंट के अंदर पहुंची बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स एंड आई मिस द लॉड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इसकी वजह से मैं पूरे इवेंट का एक हिस्सा नहीं बन पाई मतलब जिसके लिए मुझे बुलाया गया था मैं वो नहीं कर पाई और uh, मुझे बस वहाँ से ऐसे ही ऑलमोस्ट टच करके वापस आना पड़ा अगले दिन मेरा यू नो द केस वॉज देयर सो इसके लिए मुझे कुछ भी करके वापस आना था और मेरा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था अभी मैं ये फ्लाइट मिस नहीं कर सकती थी और uh, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था तो मेरे को ऐसा होता है मैं बहुत अगर आंशर्स हो जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं अभी आई डोंट वॉन्ट टू ईट द चांसेज आर अलथ्रो आ सो आई ड नॉट ईट एनी थिंग एंड आई हैड टू कैच मॉर्निंग फ्लाइट एंड उसके लिए अभी मैं सो तो नहीं सकती हूँ so, सो मैं पूरी रात जगी रही आई वज़ प्रिपेरिंग फॉर द केस एंड आई थाट कि चलो अभी मैं आई कैच द फ्लाइट बेंगलोर में उस टाइम पे फ्लड्स थे और इसकी वजह से मेरा वहाँ पर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था टाइम पर चाहे मैं कितना भी टाइम पर निकल गई और इसकी वजह से मैं पहुंच गई थी ऑलमोस्ट बट कुछ पाँच से सात मिनट से मैंने बोर्डिंग मिस कर दिया तो उसकी वजह से मेरा फ्लाइट फिर मिस हो गया अब मैं आई वॉज सिटिंग एट द एयरपोर्ट एंड आई लाइक अभी मेरे पास कुछ नहीं मतलब मुझे जयपुर पहुंचना है एंड मेरे पास अभी कुछ नहीं है वहां पे जाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कोई और फ्लाइट ही नहीं जा रही है जो फ़्लाइट जा रही है वो शाम की है और वो मुझे जयपुर छः साढ़े छ पहुंचाएगी कुछ नहीं हो सकता अभी ऐसा है हाई कुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द यू नो केस सो मिसिंग द फ्लाइट एंड एवरीथिंग इतना बड़ा चीज नहीं हुआ था जब तक कि इसमें मेरा करियर का कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ था मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट अबाउट द केस और एनी थिंग इट्स अबाउट अच्छा वहां पर ऐसा नहीं था कि कोई और नहीं था हैंडल करने के लिए बट इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर इंटरेस्टेड विथ राइट आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और अब आपको उसको निभाना है तो मैं एक तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर आई थी मैं कैसे जैसे पहुंची थी इवेंट में और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्लाइंट के टूवर्ड्स थी बट मैं नहीं वो पूरी कर पाई मुझे बहुत बुरा लग रहा था मुझे ऐसा लगता वाई मी गॉड आई मी वाई ये इतना टफ क्यों बना दिया आपने आई स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज एंड मेरा कंसिस्टेंसी लूज हो जाता है हो सकता है कि मैं यू uh, नो you know, बीमार हो जाती हूँ और या फिर ऐसा होता है कि मेरे घर में कुछ हो जाता है एंड हैव टू बी दैट या फिर मेरी कंपनी को मेरा रिक्वायरमेंट है बच्चों को मेरा रिक्वायरमेंट पकवान जाने क्या हो जाता है तो ये ऐसा क्यों है वाई इज इट सो टफ और जब भी मैं मेरे दूसरे प्रोफेशन की तरफ जाती हूँ जो चीज़ मैं इजीली कर सकती थी मैंने सब प्लान किया वो इतना डिफिकल्ट हो गया और मैंने फ्लाइट ही मिस कर दिया उसकी वजह से इट्स ओके उन्होंने हैंडल किया बट आई मिस डिट मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था मैंने तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं किया ना मुझे ऐसा लग रहा था और उसकी वजह से आई केम बैक जयपुर तो मैं आ गई थी बट देन आई कूडेंट स्टॉप थिंकिंग कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ आई मीन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ और एक ऐसा हो गया एक फेज़ शुरू हो गया जहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था दैट दिस इज़ माय लोएस्ट फेज अभी ये मेरा लोएस्ट है अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी uh, क्योंकि मैंने अभी अभी आई डोंट नो आई एम वेरी कनेक्टेड विद एवरी पर्सन मैं हर एक इंसान से बहुत कनेक्टेड हूँ तो लूजिंग समवन फ्रॉम द फैमिली then losing uh, you know a chance to fight for my client i was very connected to the client so yeah that also and i almost lost a degree also in between because of something one of my degrees <laughs> <laughs> so yes and i felt ki right now i'm not in the correct mindset to help learners i'm not in the correct mindset to help anyone for that matters. सो आई थाट दैट आई रिकलेक्ट माई सेल्फ एंड मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती हूँ आई वॉज़ वेरी डीमोटिवेटेड टू डू एनी थिंग कुछ भी करने के लिए मैं डी डी मोटिवेटेड थी मुझे चार चीज़ें एक साथ मेरे पास आ रही थी एकदम क्रेजी सा लाइफ हो गया था एंड देन उसके बाद में आई थाट कि हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं और आपका सैम्पल पेपर रिलीज हुआ um, आई मेड अ वीडियो आई ट्राई के चलो बेबी स्टेप से शुरू करते हैं कमिंग बैक ऑन यूट्यूब बिकम्स वेरी डिफिकल्ट यू नो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है खास करके अगर आप एक्सीडेंटल यूट्यूबर हो क्योंकि मैंने यह नहीं डिसाइड किया था मेरे लिए बट देन ये आपने मेरे लिए चुना और आपके प्यार को मुझे रिस्पॉन्ड करना था आई मीन आई कॉन्ट जस्ट गो आई कॉन्ट जस्ट बी नॉट योर सो so, इसके लिए अभी देन मैंने वो थोड़ा सा स्टार्ट किया uh, मैं आपके लिए ऑनिस्टली कंटेंट बना रही थी uh, इस पूरे टाइम पर बिकॉज मैं औरजनैलिटी का झंडा लेकर चलती हूँ सो आई ट्राइड कि मैं अभी तब तक जब तक uh, मैं कैमरा फेस करने के लिए रेडी नहीं हूँ मैं आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं हूँ तब तक आई जस्ट प्रॉब्ली मेक द कॉन्टेंट सो आई वॉज मेकिंग द कॉन्टेंट एंड जस्ट दैन अभी आई गॉट एन अपरचुनिटी टू मीट सम ऑफ यू यहाँ पे जयपुर में एंड आई मेट फ्यू सब्सक्राइबर्स जो कि अपने चैनल को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे एंड वैन आई हर्ड दैम क्योंकि मैं जयपुर में ये मीटअप कर रही थी एंड देवर पीपल हु केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज यू नो सो अनुष्का इफ यू आर वॉचिंग दिस शी केम फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल द वे फ्राम महाराष्ट्र देन दे व टू मोर सब्सक्राइबर्स चूंकि दे वुड लाइक कि मैम जब आपने हंड्रेड के हिट किया था ना तो आई एक ऑल्ड हेम एंड आइट ओल्ड हेम कि आर ए मैम ने हंड्रेड के हिट किया है आईट वॉज विल द फीलिंग वॉज सरी आई कॉन्ट एक्सप्लेन मतलब कि कैसा प्यार है आप लोगों का इज अट जान लेवा कैसा प्यार है कि यू नो इट्स लाइक अगर इफ आई एम ऑन माई लोएस्ट आई कैन स्टिल स्टैंड ऑन माई टू फीट इफ़ यू आर देव विथ मी सो that's how अभी अभी मैं बस वो event करके ही आई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि मैं वहाँ पर इतने बच्चों से बात करके आई तो मुझे लगा मेरी फ़ैम जो यहाँ पर है मुझे उनसे भी बात करनी है तो पूरा का पूरा ये जो uh, एपिसोड मेरे लाइफ में हुआ इससे मैंने कुछ चीज़ें सीखी सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर सीखी वो ये है कि लाइफ के अंदर सेटबैक्स आ सकते हैं लो टाइम्स आ सकते हैं कभी कभी कुछ ऐसा हो सकता है जो बाकी लोगों के लिए लो नहीं हो बट फॉर सम रीज़न आपको लो लगे आ, ऐसे में और कोई नहीं पर आप खुद हो जो अपने आप को उठा सकते हो मोटिवेशन आपको अंदर से खुद ढूंढनी पड़ती है ये मोटिवेशन आपको कहीं से बाहर से नहीं मिलती है और मेरे लिए चाहे मेरा जॉब कितना भी हैक्टिक हो चाहे मेरा प्रोफेशन में आग लग रही हो चाहे कुछ भी हो ये चैनल पे वीडियो बनाने के मोटिवे बनाने के लिए आप इकलौता मोटिवेशन हो मोटिवेशन है वो सारे के सारे चेहरे जो उम्मीद से मुझे देखते हैं कि चलो अभी मैम विल हेल्प अस एग्ज़ाम टाइम में हम आराम से मैम के वीडियोस से पढ़ पाएंगे और आपकी दुआएं भी जो कि मेरे साथ है क्योंकि हर सेटबैक से मैं वापस से उठ खड़ी होती हूँ तो इसके लिए आ, कुछ एक लर्निंग जो यहाँ पर मेरी है वो ये है कि पहली बात पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखना है बहुत कुछ सीखा मैंने इस पास्ट एक्सपीरियंस से दूसरी बात लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जिसके अंदर पंचुअलिटी भी एक चीज़ होती है क्योंकि आपके करियर को तबाह करने केपेबल होती है देन uh, उसके बाद में तीसरी चीज़ ये है कि लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको भी उन्हें उतना ही प्यार करना चाहिए एंड आपको एक्सप्रेस करने से डरना नहीं चाहिए मैं बहुत कम बात करती हूँ ऐसे ऐसे पर्सनल इश्यूज़ के बारे में बट देन मैंने सोचा नहीं अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस दिस क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ वो किया और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आपसे आके बात नहीं करूँगी uh, तो मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा <laughs> तो इसके लिए दैट इज़ अनदर थिंग चौथी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि आप अपना खुद का मोटिवेशन हो और कोई नहीं सिर्फ आप अपने आप को फिर खड़ा कर सकते हो इट्स लाइक आप अपने आप से फिर से ऐसे यूरो uh, you know, uh, सारे ऑडियल सारे ऑर्ड्स लाइफ के फाइट कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके अपनी स्ट्रेंथ को समन करके यू कैन स्टैंड ऑन योर टू फीट सो वो एक uh, एक चीज़ है तो ये सारे के सारे चीज़ें मैंने सीखा और सीखा कि लोगों का प्यार आपको किसी भी चीज़ से जिता सकता है तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था ये जो मेरा पूरा ऐसा टाइम था जिसके अंदर आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग कहीं पर भी और मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रही थी एंड आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर मैं वीडियोज़ बना के लेकर आऊँ बट यू आर कॉन्स्टेंटली देर यू बिलीव्ड इन मी एवरी टाइम एवरी टाइम एंड दैट इज़ वाई आई लव यू सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट लव एंड सपोर्ट थैंक यू सो मच आप मेरे साथ हमेशा खड़े हो और uh, आपको भगवान करे सब कुछ मिले क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है आपको पता भी नहीं है आज के इवेंट के बाद में तो खास करके मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ है कि आप लोगों का प्यार बहुत बड़ा है सो दैट इज़ एंड ये चैनल जिस तरीके से आपको हेल्प करते आया है वैसे ही आपको हेल्प करेगा कभी कभी देर जरूर हो सकती है क्योंकि मैं अपनी अलग ही बॉलीवुड जिंदगी जी रही हूँ बट uh, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका साथ छोड़ूंगी ये ज़रूर प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी एक और चीज़ आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि ये जो चैनल है ये चैनल आपकी इंग्लिश के सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए एक चैनल बना दूँगी मैं और आपको कुछ भी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं उतनी कोशिश करूँगी आपका काम बस ये है कि इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहो क्योंकि आपके प्यार से ये छोटे बोटे जितने भी ऐसा लगता है कभी कभी तो कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मैं फाइट कर लूँगी और फिर से आपके लिए कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँगी सो so, अभी फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट्स हैं चैनल पे वापस आ रही हूँ अब मन हल्का हो गया बात करके कि कितना कुछ हो गया था और अब इसीलिए चैनल पे वापस आऊँगी और आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियोस में एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज का शॉर्ट्स वाला चैनल तो अभी चल रहा है क्योंकि उसके अंदर हम लोग आ, इंग्लिश के रिलेटेड जैसे हमने शॉर्ट्स डाले थे वो डाले डालते रहेंगे आगे ये चैनल पे मैं आपके लिए और भी अलग अलग चीज़ें लेके आऊँगी ताकि से चाहे आप एक पास आउट हैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट लैंग्वेज को लेकर स्पोकन इंग्लिश को लेकर ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा और जो लैंग्वेज बाय शिप्रा मिश्रा करके चैनल था उसको मैंने शिप्रा मिश्रा व्लॉग्स के नाम से चेंज कर दिया है अब मुझे नहीं पता मैं व्लॉग्स वगैरह कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी बट मैं डेफिनेटली आपके लिए मेरी अमेजिंग सी बॉलीवुड लाइफ की स्टोरी ज़रूर लेकर आ पाऊंगी अगर आप चाहो तो तो अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या कर रहे हो आजकल वो सब कुछ मुझे कॉमेंट्स में बताओ क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके कॉमेंट्स पढ़ के और आ, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हैप्पी संडे जितना भी बचा है एंड आई विल सी यू बाय बाय टेक केयर